so that disciples he spoke these truths according to Matthew 5 और मत्ती 5 के अनुसार जो भी हजारों की भीड़ उसके चारों ओर थी उसने यह उपदेश अपने चेलों को दिया था my precious friend he will speak to you the great truths and the great directions and plans that he has for you for your life and the world तो मेरे प्रिय मित्रों वो जो है आपके जीवन से संबंधित सबसे बड़े सत्यों को और उन निर्देशों को आपको बताएगा जो वचन में है इवन नाउ एज अवे विद हिम एंड टू यूनाइटेड विद योर ब्रदर्स इन फैस निगिन टू ऑपरेट एंड बिगिन टू बी रिवील्ड इन योर हार्ट फ्राम दिस मोमेंट इस समय जबकि आप और के साथ मिल करके आए हैं उसके पास तो शैतान का हर एक बंधन जो है वो टूट जाएगा

अब से परमेश्वर की योजनाएं और उसका जो अगुवाई है हमारे जीवन में नदी की तरह आते जाएगा और हम जो हैं उसके अगुवाई में आगे बढ़ते चले जाएंगे यू आर द चैनल ऑफ ब्लैसिंग इन टू दर्ल्ड इन टू ह्यूमैनिटी और आप उसके आशीषों को जो कि वो संसार में मानवता में बहा रहा है लाने का माध्यम है सो गॉड इज ब्लेसिंग अपॉन यू and your children इसलिए परमेश्वर आपके और आपके बच्चों के ऊपर में एक आशीष की आज्ञा देगा साम 115 12 एंड 14 भजन संहिता 114 वचन 12 और 14 में यूं कहता है साम 133 एंड वर्स 3 गॉड कमांड्स अ ब्लेसिंग भजन संहिता 133 और उसके वचन 3 में परमेश्वर एक आशीष की आज्ञा देता है एंड पीस विल रन लाइक अ रिवर इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू Isaiah 66 और यशिया छसठ और वचन चौदह के अनुसार आपके जीवन में शांति नदी की तरह बहती चली आएगी गाज रेवलेशन शेल फ्लो फ्रॉम दिस मोमेंट हैज नेवर बिफोर एंड रिजरक्ट योर स्पिरिट तो परमेश्वर का जो प्रकाशन है जैसे पहले कभी नहीं आया वैसे आपकी ओर बहता चला आएगा और वो आपकी आत्माओं को पुनर्जीवित करेगा द बाइबल से इन जेनेसिस ट्वेंटी उत्पत्ति 26 हाँ और वचन 12 और 13 में बाइबल जो है हमें वो उन्नत होता गया एंडेम मोर एंड मोर प्रॉस्परस और वो और भी ज्यादा और भी ज्यादा संपन्न और उन्नत होता चला गया इट विल और वो आपके साथ भी होगा When does God command a blessing upon a person? किसी पर परमेश्वर कब आशीष की आज्ञा देता है When he or she comes together with God's people in unity to pray unto the Lord for his will to be established. जब वो व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष औरों के साथ एक मन होकर के परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए आता है तब ये आशीषें उस पर आती हैं यू विल बी ब्लेस फ्रॉम टूडे बिकम प्रॉस्परस एंड मोर एंड मोर प्रॉस्परस आज से आप जो हैं आशीषित होंगे और आप उन्नत होंगे और आप और भी ज्यादा से ज्यादा उन्नत और संपन्न होते चले जाएंगे दिस प्रॉस्परिटी विल बिगिन वेन काम टू यू रेवल्यूशन वेलकम टू यू टू नो हाउ टू डू एंड वर्ल्ड और यह जो संपन्नता है इस संसार के हर प्रकार के अकाल के बावजूद आपके जीवन में तब आएगी जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना आप उसके प्रकाशन को प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे Today, friends, आज मेरे मित्रों हम इस बात के लिए प्रार्थना करने आए हैं

क्योंकि जो यरूशलेम प्रार्थना भवन के जो मालिक हैं उनको हमें एक अंतिम चेतावनी दी है कि 2012 दिसंबर तक हमें बाकी पैसे जो उसके लिए चुकाने हैं। द मोमेंट वी वी डोंट हैव मनी दैट नीड टू पे और इस समय हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है जो यरूशलेम प्रार्थना भवन के लिए हमें उन्हें चुकाना है इफ यू डोंट पे द मनी ऑन टाइम अगर हम समय पर उनको बाकी पैसे नहीं चुकता कर पाएंगे दे वुड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर वो उस भवन को खरीदने के लिए हमने जो उनके साथ अनुबंध किया है उसको नए सिरे से लिखेंगे और ऐसा करने पर अभी तक हमने उनको जो भी पैसे दिए हैं वो सारे पैसे हम खो देंगे of course, somebody else. हाँ ये अलग बात है कि और भी कोई दूसरा है बट वी बिलीव

Night and day. लेकिन हम जो लोग हैं हमें रात और दिन इसके लिए प्रार्थना करना है। 18, 1, 7 and 8, ने एक वचन सात और आठ में ये कहा हम जो मनुष्य हैं हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना है और उसमें ढीले नहीं पड़ना है माई बिजनेस इज टू डू मिराकल्स एंड फुलफिल्ड एंड इन योर लाइफ ऑन टाइम वो कहता है कि मेरा काम ये है कि मैं तुम्हारे जीवनों में और संसार में जो भी चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य करने हैं अपने समय पर उनको करता जाऊं बट योर बिजनेस इज टू प्रे फॉर दैट टू the टाइम लेकिन तुम्हारा काम यह है कि तुम हमेशा इस बात के लिए प्रार्थना करते रहो कि ये मेरे जो कार्य है वो सब होते रहे यस जीजस आई विल डू एवरीथिंग ब्यूटीफुली ऑन टाइम बट यू प्रे डिलीजेंटली ऑल द टाइम हां प्रभु यशु कहते हैं कि मैं हर एक चीजों को अपने समय पर खूबसूरती से पूरा करूंगा लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम समय समय पर हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करते रहो वेन वी प्रे डे एंड नाइट claiming his promise, claiming his plan to be fulfilled. Jesus says, will I not do justice for you and for your prayers? I will do it quickly. प्रभु यशवसी कहता है कि जब तुम ऐसा करोगे तुम प्रार्थना में लगे रहोगे मेरी प्रतिज्ञाओं का दावा करते हुए वचन का दावा करते हुए तो क्या मैं उसको जल्द से जल्द तुम्हारे लिए ना करूँगा I believe God's justice, God's answer for the Jerusalem Prayer Tower is coming quickly. <laughs> I believe, along with that, justice for your life, prosperity, and more prosperity for your life is coming from the Lord in answer to your prayers for Jerusalem Prayer Tower quickly in your life. और मैं विश्वास करता हूं कि उसके द्वारा प्रभु यीशु के ओर से आपके जीवन के लिए जो आपके लिए उसने निर्णय लिया है जो संपन्नता उसने आपके लिए रखी है वो जल्द से जल्द आपके जीवन में आ रही है आपने इतने सारे समय तक प्रार्थना की है, now, to to लेकिन अब परमेश्वर की आशीषें आपके लिए बिल्कुल समय पर आ रही प्रे

इन पांच प्रार्थना भवनों के लिए उनके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जो है आपको जिस तरह से उसने बेंजामिन को के साथ आपके घरों को भेजेंगे बेंजामिन देखते हैं कि जो बेंजामिन था वह तो बाद में एक बहुत ही सामर्थ्य राज्य बन गया वह जो था अकेले रह करके भी

when the disciples came together to pray. यह तो तब पूरा हुआ जब जितने भी शिष्य थे वो उपरौठी कोठी में प्रार्थना किया। The Holy Spirit came upon them in Jerusalem. पवित्र आत्मा जो है चेलों के ऊपर में यरूशलेम में उस उपरौठी कोठी के ऊपर उन पर उतरा। Then the Holy Spirit took them to Judea. तब पवित्र आत्मा उन्हें यहूदिया में ले गया। Through that Judea received the Holy Spirit and the salvation of God. उसके द्वारा यहूदिया ने पवित्र आत्मा और परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त किया द होली स्प्रिट समेम टू आत्मा उनमें से कुछ लोगों को उसके बाद सामरिया में लेकर के गया और तब सामरिया प्रांत ने पवित्र आत्मा को और परमेश्वर के उस बचाने की छुड़ाने की शक्ति को अनुभव किया देन द होली स्प्रिट टुक डिसाइपल्स लाइक थॉमस टू इंडिया जो है, संत थोमा को भारत और अन्य को विश्व के अलग-अलग हिस्सों में ले गए ताकि आए इट ऑल स्टार्ट लेकिन इन सब का प्रादुर्भाव उनका प्रारंभ तो यरूशलेम में ही हुआ था Even today, आज भी, as you are

हमको यरूशलेम ले जाएगा जैसे पहली बार हुआ था और यरूशलेम के इस भवन में जो कि सबसे बीसवीं और इक्कीसवीं अंतिम मंजिल है उपरौती कोठी है हम वहां पर उसकी स्थापना करेंगे एंड फ्रॉम देर थ्रू दीजस कॉल्स टू गो

Of every nation will come out of the Jesus Christ Prayer Tower in Jerusalem. In Jerusalem, Ishwar ki uski Prophecies for every nation, God's plan for the nation to prosper and receive the word of God, and to rise up in technology and business. will come out of the Jesus calls prayer tower from Jerusalem. और यूशलम से जो जीसस कॉल्स प्रेयर टावर है वहां से विश्व के अलग अलग देशों में किस तरह से वो तकनीकी रूप में किस तरह से व्यवसाय में किस तरह से अन्य क्षेत्रों में उन्नत होंगी उसकी योजना ईश्वर के लिए के द्वारा उनके लिए प्रकट होगी प्रोफेसिज गो आउट्वेज मार्क माई वर्ड एवरी लैंग्वेज From the Jesus calls prayer tower, because the Bible says in Zephaniah 3:9 that the Lord will give a pure language to the whole world to bring everyone together to worship the Lord in one accord in the last days. Or in every language याद रखें हर एक भाषाओं में भविष्यवाणियाँ जाएंगी क्योंकि सपन्या तीन नाव में परमेश्वर जो है कहता है कि मैं उन्हें उनसे एक शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा और वही जो है वचन पूरा होगा इट इज एट द टावर ऑफ बेबल गॉड गेव डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज टू द पीपल विथ सेटेड जब लोगों ने बाबुल में एक गुम्बद बनाया तो वहां पर परमेश्वर ने लोगों को अलग अलग भाषाएं दी जिसके कारण से ना केवल पूरे लोग जो है लेकिन पूरा संसार जो है अलग अलग हिस्सों में बट गया और आज तक बटा हुआ है इट वॉज बिकॉज ऑफ पीपल ऑफ गॉड हैड टू डू इट और यह तो उस समय के जो लोग थे संसार में उनके उस घमंड के कारण से ऐसा हुआ जिसे परमेश्वर को इस तरह से करना पड़ा बिकॉज ऑफ द प्राइड दे वुड हैव डिनाइड गॉड एंड ऑल ह्यूमैनिटी वुड हैव गॉन टू हेल इफ दे वर टुगेदर इन दैट प्राइड क्योंकि उनके गर्व के कारण से उनके घमंड के कारण उन्होंने ईश्वर का इंकार और तिरस्कार किया जिसके कारण से अगर ईश्वर ऐसा ना करते तो पूरी मानवता जो है उस नरक में जाती सेपरेट देम सो दैट They will not come together to do evil, and all of them would not perish at one time. But now the time has come for the prophecies to come out of the Jesus calls prayer tower to every language group, every language person.

और उसके द्वारा से वे जो है परमेश्वर की इच्छा को जान करके उसमें आगे बढ़ने पाए एंड नाउ व्हेन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन द पीपल एंड दे बिगिन टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द होली स्पिरिट देयर विल बी यूनिटी अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू साम हंड्रेड एंड टू 3 एंड गाड्स ब्लेसिंग एंड गाड्स लाइफ विल कम अपॉन ह्यूमैनिटी वंस अगेन प्रिपेयरिंग देम टू रिसीव द लॉर्ड एज गाड और जब ये भविष्यवाणी के कारण से एक भाषा में लोग भविष्यवाणी करने लगेंगे प्रार्थना करने लगेंगे तो पूरे विश्व में एक तो आएगी और जैसा भजन संहिता एक सौ वचन एक से तीन में वो कहता है वो जो है पूरे संसार को परमेश्वर के आमद के लिए तैयार करेगा द सेम थिंग टावर और यही बात जो है इसराइल में भी होगी जब

जिसको उसने बर्ची से बर्ची से यहूदियों ने भेदा था और वे उधार पाए अभी तक उद्धार जो है यहूदियों के लिए खुल नहीं पाया है क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि पहले जो है संसार जो है वह उद्धार को प्राप्त करे एज द गोइंग टू गो आउट ऑफ द जीसस कॉलूसलम प्रेयर टावर The world is going to receive an outpouring of the Holy Spirit as never before in every nation. And also the same outpouring of the Holy Spirit will come upon the Jews which will bring them to salvation to prepare them to receive Christ as the Messiah very soon. Mein, Jesus calls, और वैसे ही जो इसराइल में यहूदी लोग हैं वो भी उसको प्राप्त करेंगे दिस इज वाई दरूसलम प्रेयर टावर ऑफ जीजस कॉल्स और यही कारण है यही मकसद है कि हम यरूशलेम के प्रार्थना भवन का निर्माण क्यों करना चाहते हैं गॉड इज प्रिपेयरिंग द किंगस ऑफ द द वर्ल्ड किंग्स ऑफ द द द द द वर्ल्ड वर्ल्ड पीपल्स ऑफ ऑफ लैंग्वेजेस वर्ल्ड एंड द जूज ऑल्सो फॉर ए सेकेंड कमिंग थ्रू द जीजस कॉल्स प्रेयर टावर इन जेरूसलम

इस यरूशलेम प्रार्थना भवन के भविष्यवाणियों के द्वारा से पूरा हो दिस इज द टाइम टू प्रे फॉर दैट और यह समय है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें दिस इज द टाइम टू मेक इट हैपन और यही वह समय है कि हम जो है उसे मूर्त करें एंड यू आर द चोजन वन हु हैज बीन डिटरमाइंड एंड डिसाइंड एंड प्लानड बाय गॉड टू प्रे टू एस्टैब्लिश द यरूशलेम प्रोफेटिक प्रेयर टावर और आप ही वो चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया और ठहराया है कि आप यरूशलेम प्रार्थना भवन के निर्माण के सभागी लेट क्या आप खुश नहीं है क्या आप उत्सुक नहीं है कि परमेश्वर ने आपको उसके द्वितीय आगमन के लिए यरूशलेम प्रार्थना भवन के स्थापना के लिए चुन रखा है Tell him, Lord, I am ready to pray. उससे कहे प्रभु जी मैं प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. Tell him, Lord, thank you for calling me and choosing me according to your plan to pray today. उससे कहे कि प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे चुना है कि आपकी योजना को पूरा करने के लिए प्रार्थना करूँ. Do not stop by praying only today. Take this responsibility and make it happen

मित्रों जब हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे तो ये जब भवन बन जाएगा तो वहाँ से भविष्यवाणी जो है यरूशलेम यहूदिया सामरी और विश्व के कोने तक जाएगी। the prayer towers and the prayer intercessors have to be established in each language nation of the world. लेकिन जब ये स्थापना हो जाए तो उसके बाद प्रार्थना योद्धाओं को विश्व के हर एक भाषाओं के अनुरूप उस स्थान में उनका नियुक्त होना भी आवश्यक होगा जो हर देश की भाषाओं को जाने They had to be established in each state of the nation of India. And the prayer intercessors speaking the various languages of the world and the language of heaven through the Holy Spirit should come to the prayer tower in Jerusalem to prophesy and send God's word

इसलिए आज हमें यह भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जो है प्रार्थना भवनों की स्थापना अलग अलग देशों में और साथ ही साथ हमारे इस भारत देश के अलग अलग राज्यों में भी वो करते जाए ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है वह पूरी होने पाए फॉर दैट वी हैव टू गो फ्रॉम नेशन टू नेशन एंड थ्रू टेलीविजन एंड पब्लिक और इसके लिए हमें एक के बाद एक अलग अलग देशों में जाना है और परमेश्वर के वचन को उसके सुषमाचार को टेलीविजन और अन्य माध्यम से प्रचार करना है। have have हमें संसार के हर एक भाषाओं में टीवी के जो कार्यक्रम है उनका निर्माण करना होगा इन ऑल द लैंग्वेज ऑफ दर्ल्ड और विश्व के जितने भी अलग अलग भाषा में उनमें उसको तैयार करना होगा coming to pray in the prayer tower, so we have to conduct prayer, prophetic conference in every language nation. So pray for God to open the prayer towers in every language nation and also raise prayer intercessors who would stick on to this vision परमेश्वर जो है हर एक देश में हर एक भाषा के लिए साथ ही ऐसे लोगों को हमें जो में जाकर प्रार्थना कर सकें और उसके साथ अलग अलग भाषाओं के अनुसार से भी वो प्रार्थना और भविष्यवाणी बाई ओपनिंग टू मेक ऑल दिस है और हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर जो है सचमुच में आकाश के झरों को स्वर के झरों को खोल करके इसके लिए हमें उपलब्ध जो आवश्यक धनराशि है उसको उपलब्ध कराएं। एंड प्रोफेसाइंग पार्टनर्स ऑल्सो तो परमेश्वर को हर एक हमारे साथ जो दान दाता है उनको आशीष देना होगा और हमारे पेइंग पार्टनर्स को दान देने वालों को प्रेइंग प्रार्थना करने और भविष्यवाणी करने वाले सहभागी बनाना होगा नॉट इवन वन सोल ऑफ शुड बी लॉस्ट और एक भी जो हमारे दानदाता हैं, ऐसे हमारे सहभागियों की आत्मा जो है वो नाश न होनी चाहिए Their souls should be saved. और उनकी जो आत्माएं हैं अवश्य है कि उनकी आत्माओं को हम बचाने पाए वी नीड टू प्रे फॉर दैट ऑल्सो और हमें इन सारी चीजों के लिए भी इन आत्माओं को बचाने के लिए भी प्रार्थना करना होगा ऑल अवर पार्टनर शुड बिकम ऑफ एंडियोडिट्स हमारे जितने भी सहभागी हैं जो दान दाते हैं, उनको और भी संपन्न होना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ उन्हें परमेश्वर की अगुवाई में पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करने वाले सहभागी बनना होगा एज यू प्रे दिस डे आज जब आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे गॉड विल ब्लेस यू एंड मेक यू रीप व्हाट यू आर गोइंग टू सो इन अ फ्यू मिनट्स इन प्रेयर परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आप जो प्रार्थना में बोएंगे वो, वो उसकी फसल आपको काटने देंगे यू विल बी ब्लेस्ड एंड बिकम ट्रामंडसली प्रॉस्पेरस आप आशीषित होंगे और आप जो है बहुत ही ज्यादा संपन्न होते चले जाएंगे

And you shall be more than a conqueror because you will have the prophetic word of God and you will have the power to even anoint kings. You must remember, my friends, we in Jesus' calls have been anointed through the calling given by, to my father, brother D.G.S. Tanakra.

and he also did it only through his servant elia Abishek abhishek diya gaya bhavishyavani di israel Karaja Abishekare or kare aur haseel ko siria raja abhishek karay. lekin ye elisha tha unhe raja ke roop mein abhishek kiya ek das ke dwara. servant in the sense as elisha was serving elijah he was also a prophet of god every prophet who is Serving as a prayer intercessor in Jesus God's ministry will be used to anoint kings, according to the grace given to my father brother D G S Thinnakar and the guidance given to me, his humble servant and your brother. And here, servant's meaning is that Elisa, who was a servant for Eliyahu, in the same way, when we pray, the people who are serving in the form of devotion. उन्हें यह अभिषेक होगा कि वे जो है राजाओं का अभिषेक करें जैसा कि यह अभिषेक जो है मेरे पिता स्वर्गीय भाई डी जी दिनाकरण को मिला और उसके साथ ही जो अगुवाई मुझे जो कि परमेश्वर का एक छोटा दास हूँ डॉक्टर पॉल दिनाकरण और मैं आपका भाई हूँ मुझे मिला है तो आप सब जो है ऐसे भविष्य जो है राजाओं का अभिषेक करेंगे माई फ्रेंड मेरे प्रिय मित्रों

यरूशलेम hey, जो तुझसे प्रेम रखते हैं वे सुरक्षित सिक्योर रहे. सुरक्षित रहें यरूशलेम से ईश्वर के कारण प्रेम करते हैं आज आप यहाँ पर प्रार्थना के लिए हैं। इसी so तो कारण से परमेश्वर जो है आपको सुरक्षित बनाए रखेगा और आपके अंदर में जो अभिषेक है उस अभिषेक को भी वो आपके लिए सुरक्षित बनाए रखेगा एंड सेकेंडली मे देर बी फीस विद इन योर वॉल्स और दूसरी बात वो कहता है तेरे शहर पना के भीतर शांति रहे एंड सिक्योरिटी विद इन योर और तेरे महलों में कुशल होवे और सुरक्षा बनी रहे माई फ्रेंड्स यू हैव कम टू टेक द बर्डन ऑफ द लॉर्ड एंड प्रे विद ग्रेट लव

एंड कीप इट सिक्योर एंड कमैंडी विद इन योर वॉल्स एंड पीस इन योर फैमिली इसलिए परमेश्वर जो है आपके घर के अंदर में शांति बनाए रखेगा और वो जो है आपके शहर पनाह आपके सिवानों के अंदर में भी शांति और कुशलता को बनाए रखेगा इसलिए आप न डरें

रोम ट्वेंटी सिक्स रोमियो आठ पचन छब्बीस के अनुसार द होली स्पिरनेस पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है कि किस तरह से हम प्रार्थना करें मे बी यू से लॉर्ड आई डोट नो आई डोट अंडरस्टैंड वॉट टू प्रे फॉर हो सकता है आप ये कह रहे हैं प्रभु जी मुझे नहीं मालूम कि मैं किस चीज के लिए कैसे प्रार्थना करूं मे बी यू से माई हर्ट Is not filled with burden and is not led to really pray with a burden with which I should pray. Maybe you are saying, My heart is burdened with my own problem. I am unable to relate to this great burden to establish the prayer tower. I am not able to. Understand it and feel it, and really get into the realm of prayer for this point. Maybe you say, Lord, I am not holy. I have committed sin. I am not able to enter into your presence with all liberty to pray with confidence. मेरे पापों के कारण से आज मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूं कि विश्वास के साथ आज मैं प्रार्थना इन पाऊली स्पिरनेस मेरे मित्रों पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है वो तो जानता है कि आप और मैं इस संसार में कमजोर मानव मात्र हैं। नो इज परफेक्ट कोई भी ऐसा नहीं जो कि सिद्ध हो The Bible says in Psalm 103, He remembers that we are only dust. भजन 103 में वो कहता है कि वो स्मरण करता है कि हम तो बस धुली मात्र ही हैं. But yet God has chosen you, God has chosen me, these unworthy people, to pray and to work and fulfill गॉड्स ग्रेटेस्ट प्लान ऑन अर्थ लेकिन तो अब याद करें कि परमेश्वर ने हम नाकाबलियों को चुना है कि हम इस संसार में ईश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करें यू आर चोसन वुमन आप वो चुनी हुई स्त्री या महिला है यू आर दोसन मैन आप वो चुने हुए पुरुष हैं। डोंट बी अफ्राइड इसलिए आप जो है बिल्कुल भी ना डरे ना घबराए एज लाइज ऑफ हिज लॉन्स एंड

बाइबल से बाइबल कहते ही है कि वो भी आप और मेरी तरह एक साधारण मनुष्य ही था वॉज ऑल्सो फुल ऑफ वीकनेस और वो भी पूरी कमजोरियों से ही भरा हुआ था बट लेकिन गिस उसने अपनी खमर को कस लिया टूडे राइज अप एन से फादर इन माई वीकनेस यूर स्ट्रेंथ लेट इट बी परफेक्ट आज आप उठ खड़े हैं और कहें पिताजी मेरी कमजोरी में होने दे आपकी सामर्थ्य जो है वो सिद्ध हो राइट नाउ द होली स्पिरिट इज कमिंग अपॉन यू इसी समय पवित्र आत्मा जो है वो आप में से हर के ऊपर में उतर रहा है Every weakness in your spirit, in your body, in your mind is leaving you right now by the Power of the Holy और इसी समय आत्मा की सामर्थ्य एक एक तुम जो शैतान की आत्माओं हो दुष्ट आत्माओं हर एक प्रकार के शैतानिक विचार मैं यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि निकल जाओ आई खमेन यू टू बी फ्री इन योर स्पिरिट इन बॉडी इन माइंड इन नेम मैं आज्ञा देता हूँ कि आप अपने शरीर अपने मन अपनी आत्मा में यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाए समय आप अपने अपने शरीर अपनी आत्मा प्राण में ईश्वर की इच्छा को जानने कि आज आप उसके अनुसार प्रार्थना करने The glory of God is coming upon you right now। इसी समय परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर आ रही है पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा रहे जप सन, अपने बेटे के अंदर में आप फिर से उत्थित हो जाए नाउ इन जीसस यी इसी समय अपनी बेटी के जीवन में पवित्र आत्मा आप उदय मान हो जाए यीशु के नाम में

हर एक दोष लगाने वाली आत्मा यीशु के नाम से बाहर Every weakness and fear एवरी वीकनेस एंड फियर ब्रिंगिंग Jesus name। हर एक कमजोरी और भय लाने वाली आत्माओं यीशु के नाम से तुम सब बाहर निकल जाओ नाउ लॉर्ड होली स्पिरट फील योर पीपल ओ प्रभु पवित्र आत्मा इसी समय आप अपने लोगों को पूरी तरह भर दें फिल। भर दे प्रभु जी फिलो प्रभु जी आप उन्हें भर दें आप उन्हें भर दें प्रभु जी विदउट मैश राइज अप विद इन दम बेपरिमाण रूप से आप उनके अंदर में उस समय उत्थित हो जाए लेट स्पीक इन न्यू इसी समय वे नई नई भाषाओं में बोलने लगे न्यू लैंग्वेज नई भाषा में बोलने लगे न्यू थॉट्स नए विचारों के साथ आगे बढ़े न्यू रेवलेशन नए प्रकाशनों के साथ वो आशीषित हो राइट this फॉर इस समय इस घड़ी के लिए इस प्रार्थना के अवसर के लिए उन्हें सही प्रकाशन अपॉन इम नाव उन्हें दे, इसी समय परमेश्वर की महिमा जो है आपके संतानों के ऊपर उतरती चली आए थैंक यू लॉ धन्यवाद प्रभु जी थैंक यू लॉ धन्यवाद प्रभु जी थैंक यू लॉ धन्यवाद प्रभु जी राइज अप इन टू दीज ना इसी समय वो स्वर्गीय बातों में आगे और उन्नत होते चले जाए प्रभु मैं बह रही नूर इबानी जूर इबानी चिल्ड्रन प्रभु कहता है मेरे बच्चों I am taking you into the heavenly realms right now. इसी समय मैं तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्तर पर अपने साथ उठा कर ले जा रहा हूं For you who have lived righteously and done righteously, righteous judgment of my blessing is coming upon you today. तुम में से हर एक जिन्हें धार्मिकता का जीवन जिया है और सही काम किया है, मेरे उस धार्मिकता के आशीष की बातें तुम्हारे जीवन में आ रही हैं यू विल सीक आफ्टर ब्लेसिंग नो मोर बट ब्लेसिंग्स विल सीक आफ्टर यू एंड कम टू यू फ्रॉम टुडे से लेकर के तुम आशीषों की खोज में नहीं रहोगे लेकिन अब से आशीष तुम्हारी खोज में तुम्हारे पीछे-पीछे आती चली जाएंगी यू विल बिगिन टू Rejoice in my persons as little children do in the persons of their father and their mother तुम मेरी उपस्थिति में बिल्कुल वैसे ही हर्षित होगे, जैसे छोटे बच्चे जो हैं अपने माता या अपने पिता की उपस्थिति में खुश और हर्षित होते हैं द लिटिल चिल्ड्रन लाफ एंड लाफ एंड लाफ लुकिंग इन द फेस ऑफ पेरेंट्स यू लाफ विद जॉय बिकॉज माय फेस विल बिगिन टू शाइन अपॉन यू फ्रॉम टूडे जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता के चेहरों को देख कर हंसते 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 जाते हैं अब से मेरी महिमा के चेहरे को देख करके तुम मेरी उपस्थिति में आनंदित और हर्षित होकर हंसोगे यूर माई इटर्नल तुम मेरी उस अनंत आवाज को सुनोगे जिसमें सामर्थ है कि वह जो है मृतकों में फिर से जीवन का संचार कर दे

Every ministry and every blessing that is blocked in the ministries and in the nation shall come back to life as you begin to speak those words of life, as you see my face. लेकर के, तुम तो ले के तुम्हें जाकर के किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मुझ सावर्ती ईश्वर से अब तुम सुनोगे और तुम मेरी वाणी को समझोगे do not be afraid of the voice of the devil or the voice of the people you will hear them no more अब तुम लोगों की आवाज को या शैतान की आवाज को सुनकर के भयभीत न होना क्योंकि अब से तुम उन्हें नहीं मेरी आवाज को ही सुनोगे i rejoice over you my son मेरे बेटे आज मैं तुम्हारे कारण से मगन और आनंदित हूं i rejoice over you my daughter मेरी बेटी आज मैं तुम पर हर्षित हूं तुम्हारे कारण मगन

उसके कारण से अब से मैं तुम्हें खुले रूप से आशीष द माइग्रस इज सफिशिएंट फॉर यू मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवनों के लिए पर्याप्त है मेरे बेटे मेरी बेटी यू हैव लॉस्ट नथिंग एवरीथिंग विल कम बैक टू यू इन डबल मेजर तुमने कुछ भी नहीं खोया सब कुछ तुम्हारे पास दुगने हिस्से से लौटेगा आई एम विद यू ऑलवेज सेस द लॉर्ड मैं सदा तुम्हारे साथ हूं यह परमेश्वर की वाणी है

जवाब दें tower इन established through the prayers इज एस्टैब्लिश थ्रू today। आज एक साथ मिलकर के हम घोषणा करते हैं कि आपके लोगों की प्रार्थना के द्वारा से यरूशलेम प्रार्थना भवन जो स्थापित हो रहा है we that the shall flow फ्लो from फ्रॉम to टू रीच द वर्ल्ड एंड prayer towers इन एवरी नेशन और हम घोषणा करते हैं कि इस यरूशलेम प्रार्थना भवन और अन्य देशों में प्रार्थना भवन के निर्माण के लिए जो आवश्यक धनराशि है वो भी उपलब्ध हो रही है वी बिलीव एंड कन्फेस दैट प्रेयर इंटरसेस शल कम फ्रॉम एवरी लैंग्वेज ऑफ एवरी नेशन through the Jesus calls ministries in every nation हम विश्वास करके प्रार्थना करते हैं। कि हर एक देश में ईश्वलाता सेवकाई के द्वारा हर देश से हर कुल से हर एक भाषा बोलने वाले प्रार्थना योद्धा और भविष्यता जो है आएंगे वी बिलीव एंड कंफेस दट यू विल ओपन टेलीविशन एंड पब्लिक क्रिसेज एंड प्रॉफिटिक कॉन्फ्रेंसिस एंड लिटरेचर एंड करस्पॉन्डेंस in every language in every nation of the world for Jesus calls हम अंगीकार करते और विश्वास करते हैं यीशु बुलाता है के द्वारा से आप हर एक देश में हर एक भाषा में टीवी कार्यक्रम हर प्रकार के साहित्य और प्रार्थना भवन प्रार्थना योद्धाओं का और अन्य बातों का की व्यवस्था करेंगे we believe and confess that you will establish karunya and its educational Activities around the world and also Sisha's humanitarian services. Lord, we believe that you will not only give us the anointing but also the finances to build the buildings and have people paid, Lord. और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि न केवल आप हमें वो अभिषेक देंगे न केवल वो लोग देंगे लेकिन आप उसके साथ-साथ हमें आवश्यक भवद भी उपलब्ध कराएंगे जो कि वहां रहकर के ने संचालित करने पाए प्रभु जी लॉर्ड वी बिलीव थ्रू ऑल दिस यू विल इनेबल अस टू प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर योर सेकंड कमिंग प्रभु जी हम विश्वास करते हैं इन सारी बातों के द्वारा से आप हमारी सहायता करेंगे कि हम इस संसार को आपके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करने पाए

in jesus' name we pray amen or amen my friends thank you so much for coming to pray i tell you you may have come to many many fasting prayer sessions of jesus calls ministry before but i tell you this is going to be the most glorious and the most blessed, and the one which is going to bring the most blessings upon you as you are praying for the second coming of Christ for the through the establishment of the prayer tower in Jerusalem and the prayer towers all over the world. God bless you and be with you. Even as you continue to pray. और जब आप प्रार्थना में लगे हुए हैं तो परमेश्वर आपके साथ हो और आपको आशीष दें